आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। श्री राम सत्संग समिति द्वारा दहिसर में आयोजित संगीत में श्री राम कथा, रावण वध एवं श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग के वर्णन के साथ समाप्त हो गई। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री सुधीर जी महाराज ने बड़े ही सुंदर दोहों और चौपायों के साथ 9 दिनों तक श्री राम कथा का संगीतमय वर्णन किया, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में रामभक्त जुटते रहे। 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चली इस रामकथा के अंतिम दिन महाभंडारा का आयोजन किया गया था। उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में आयोजित इस श्री राम कथा की सफलता के लिए संस्था अध्यक्ष ब्रह्मदेव तिवारी, कार्याध्यक्ष श्रीकांत पांडेय, महामंत्री हरिशंकर तिवारी, रामब्रिज यादव, जगदीश करुणाशंकर ओझा, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, हरिश्चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार अमित मिश्रा, पंडित कमलाशंकर मिश्रा, लालचंद तिवारी, मायाशंकर चौबे, राजीव मिश्रा, बी एम गुप्ता, अमित तिवारी, कमलाकांत त्रिपाठी, अंकित उपाध्याय और रामकुमार पाल सहित श्री राम सत्संग समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अमूल्य सहयोग दिया। प्रस्तुत है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राम की कथा में ऐसा है कि राम ने जो किया है, जो श्री राम चरितमानस में राम का जो चरित्र है, उस चरित्र को अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो उसको जीवन जीने की दिशा एक मिल जाती है, तो फिर बाद में उसकी दशा भी ठीक हो जाती है। कई शहरों में, कई जगहों पर आप इस तरह से कथा करते हैं, लेकिन जब आप मुंबई के इस धरती पर जब आप कथा करते हैं, किस तरह देखते हैं भक्तों का राम कथा की ओर उत्साह और उनके सुनने की जो उत्सुकता है? नहीं नहीं, भक्त तो बहुत अच्छे हैं, तमाम आपने देखा है कि यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, और अगर कथा से प्रेम लोगों को नहीं होता तो लोग इतनी भीड़ में इतना कैसे आते, तो अच्छे हैं लोग, बढ़िया सोता है। जिस तरह से आयोजन यहाँ के आयोजित कर रहे हैं, क्या लगता है इस तरह से लोगों के लिए इस तरह की राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा होते रहना चाहिए लोगों के लिए? बिल्कुल, हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है, हमारा कथाएं शुरू से होती आई हैं, और कथाओं में ऐसे तथ्य छिपे हुए हैं कि उसको सुन करके व्यक्ति अगर जीवन में उतारे अपने, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा ही माध्यम है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये रामायण का जहाँ पर पाठ रखा गया 9 दिन तक रहा, किस तरह देखते हैं यहाँ पे जो लोगों ने लाभ उठाया है? जी मैडम, आपको मालूम है कि हमारा सनातन धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने ये किया है, और सनातन धर्म जो है इसी तरह से जीवित रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे इसको छोड़ रहे हैं, उनको नॉलेज में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, इसलिए ये 9 दिन की जो कथा है उनमें बहुत ही ज्ञान प्रदान करेगी, और सुनेंगे तो आगे चल के उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, क्या लगता है कि आप 9 दिन यहाँ पर कैसे देखेंगे, लोग यहाँ पहुँच कर यहाँ पर रसपान उन्होंने लिया? देखो, लोगों की आस्था है, भगवान में लोगों की आस्था है, राम में लोगों की आस्था है, लोग काम काज छोड़ के, आज कामकाजी दिन है, आज जो है दिल्ली दिन है, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं और इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई है, तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। कितने सालों से आप इस तरह से ये हम लोग 12 साल से कर रहे हैं, बीच में 2 साल कोरोना पीरियड में ये बंद था, बाकी ऐसे 10वां साल है, और वैसे देखा जाए तो 12वां साल है। हाँ, किस तरह देख रहे हैं आप इतने सालों से आयोजन करते आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये रसपान मिल सके? ऐसा है कि ये जो कथा है, करीब 2010 में महाराज जी इनके मंदिर पर आए थे, वहाँ पर इनको हमको लगा कि भाई इनकी कथा अच्छी है, अच्छे वक्ता हैं, तब से मैंने ऐसा एक कमेटी बना करके कथा का प्रारंभ किया, और 2010 से ही रिस्पांस मिलता गया। महाराज जी आज तक सब 10 कथा हो चुकी है, 8 बार महाराज जी ने कथा किया है, 2 बार ने दूसरे को बुलाए थे। इस बार जो कथा का था, पहले जनवरी में करनी थी, लेकिन उस समय हम ऐसा तय किए थे कि भाई हाल में करेंगे, मैदान में करेंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आता है, हाल में करना हाल नहीं मिला, 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में करना था, फिर नहीं हो पाया, हम भी गांव चले गए, गांव से आए तो महाराज जी गांव में मिले, वहां पर इन्होंने कल बोला कि भाई हम 9-30 जनवरी तक हम सलवासा में कथा कहने वाले हैं,
तो आप कृपा करके 1 फरवरी वहाँ तय कर लेंगे तो हम वहाँ से वहीं अपना कथा कह लेंगे। उसी निमित्त 1 फरवरी से 9 फरवरी हमने कथा तय किया। कथा तय करने के बाद में ऐसा हुआ कि स्थान जो है पहले बोरीवली में तय किया, लेकिन कुछ कारणों से वो स्थान चेंज होकर के फिर यहाँ तय करना पड़ा। उसी दरमियान हम 8 दिन जो है हॉस्पिटल में चले गए, 5 दिन 4 दिन पांडे जी हॉस्पिटल में चले गए। बड़ी मुश्किल आई कि कथा कैसे होगी, लेकिन पहली बार हमको ऐसा लगा कि, और हमारे खासदार भी बोलते भी हैं कोई भी काम करो भगवान साथ में रहे, तो पहली बार हमको लगा कि सच में अगर कोई काम करने जाओगे तो भगवान का अगर काम है तो भगवान उसमें मदद करते हैं। तो भगवान ने मदद किया तो कथा हो पाई है, क्योंकि कथा में जानती हैं कि भाई बहुत बजट लगता है, लेकिन प्रभु की माया सब पूरा हो गया और आज कथा का समापन हो गया। और ये कथा जो है महाराज जी इतनी अच्छी तरह से विवेचन करते हैं कि सबको पसंद आती है और सभी लोग महाराज की प्रशंसा करते हैं और सीखने को भी मिलता है। हर चौपाई का एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं। तो 9 दिन कथा सुनने के बाद आपने क्या इससे ग्रहण किया कि आपकी जो हमारी जो जिंदगी है उसके लिए जो महत्वपूर्ण लगता है? भाई हमारे हम यही ग्रहण किए कि भगवान जो है सब कुछ है, भगवान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। जो भी कुछ करने वाले हैं ईश्वर ही करने वाले हैं। ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उस पर दृढ़ रहना चाहिए, तो वो कोई भी काम हो वो पूरा ही होगा। किस तरह आप देखते हैं जिस तरह जब रामायण कथा के आयोजन किया गया आप इसके हिस्सा बन पाते हैं, तो किस तरह देख रहे हैं कि जो आयोजन किया आपने? ऐसा है कि हमारा देश करीब करीब 800-900 साल तक गुलाम रहा, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बावजूद हमारी जो संस्कृति बची रही, जो हमारी आस्था बची रही, हमारा धर्म बचा रहा, दुनिया की अनेक सभ्यताएँ नष्ट हो गई, हमारी जो सभ्यता सनातन धर्म जो बचा रहा उसके मूल में अगर कुछ है तो ये कथा है। चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे पहले गुरुकुल रहे हों, चाहे साधु संन्यासी रहे हों, चाहे जो भी जिस तरह का, चाहे मठ है चाहे मंदिर है, यही बचा के रखे हुए हैं। नहीं तो 500-500 साल के बाद कोई मंदिर बनता है? 500 साल पहले जो टूट गया मंदिर वो 500 साल के बाद बन रहा है, तो उसको लोगों के मानस में जीवित रखने का काम ये लोग करते हैं। नहीं तो आदमी भूल जाता है, हम लोग आज जो बात करते हैं कल भूल जाते हैं, कल जो सुनते हैं परसों भूल जाते हैं, सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर लोगों के मानस में, सनातन धर्म के लोगों के मानस में अगर ये जिंदा है कि भगवान राम है, कृष्ण है, हमारे सारे देवी देवता हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण है, लिखित मौखिक जो भी है, श्रुति स्मृति पुराण, ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ही चल रहा है और इसलिए आज हो रहा है। नहीं तो शायद ऐसा होता था कि इतने जुल्म के बाद, कि मैंने सुना था कि औरंगजेब अगर एक मन जो है जनेऊ नहीं इकट्ठा कर लेता था हिंदुओं को मार के तो पानी नहीं पीता था तो सब खत्म हो गया होता। लेकिन जो जिंदा है तो क्यों जिंदा है कि ऐसे ही ऋषि महर्षि सारे लोग जो तप तपस्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोगों के मानस में बसा हुआ है, इसलिए सब चल रहा है। ये सब सोच करके ही हम लोगों ने भी तय किया कि ये कथा करेंगे और कथा हो रही है, 10 साल से हो रही है, चलती रहती है और भगवान चाहेंगे तो आगे होती रहेगी। उनके बस में ही रहता है करना, हमारे बस में नहीं रहता है। हम तो निमित्त मात्र हैं सभी चीज़ों के लिए, भगवान भी निमित्त मात्र हैं। बोलते हैं ना कि आदमी तो निमित्त मात्र है, करते सब वही हैं और वही सब हो रहा है। आजकल सरकार में भी ऐसा ही है, नाम तो मोदी जी का लिया जाता है ना, सब निमित्त मात्र हैं, सभी मंत्री हैं, सभी संतरी हैं, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन किसके बल पे चल रहा है सब, किसके आदेश चल रहा है, किसके भरोसे चल रहा है, तो मोदी जी के भरोसे चल रहा है। ऐसे ही सब भगवान के भरोसे चल रहा है, सभी निमित्त मात्र हैं, कथा हमारे कहने से नहीं होती है। मैं जब शुरुआत में कथा कराने की सोचा था तो हमारे एक दुबे थे, ललित दुबे थे, वो प्रेम भूषण जी कथा करवाते हैं, काफ़ी पैसा उन्होंने खर्चा किया था। उनके पास गया मिलने के लिए, बोले यार कथा तो शुरू कर रहे हैं, हो पाएगी नहीं हो पाएगी? तो बोले कथा आप थोड़ी करने वाले हैं, कथा तो भगवान करने वाले हैं, आपको खाली लगे रहना है, निमित्त बने रहना है। तो तब से हम निमित्त बने हुए हैं, हम कोई हमारे कारण कथा नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होती है, भगवान के भरोसे होती है, उनके आशीर्वाद से होती है, उनकी कृपा से होती है और चल रही, उसी कृपा में आप भी हैं। इस साल आप लोग हमारे पास आ गए, इस कथा को दूर दूर तक फैलाए हैं जो नहीं हो पा रहा था। अमित जी हमारे जो बहुत पुराने साथी हैं, परिचित हैं, इतने वर्षों के बाद हमने उनको याद किया, इन्होंने आपको बुलाया सबको, नहीं तो मैं नहीं बुला सकता था, मैं आप लोगों को जानता ही नहीं, लेकिन निमित्त कौन मिल गया, अमित जी मिल गए तो आप लोग आए। ऐसे ही कथा चल रही है और भगवान चाहेगा चलती रहेगी।